हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू शिक्षा भवन उड़िया दी एजुकेशन उड़िया यूट्यूब चैनल। तो ए पार्ट होची आम दशम श्रेणी इंग्लिश प्रथम पद्य जो अच्छी ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल रो किसी डैश फिलअप रिलेटेड क्वेश्चन गुड़ाक। तो यहाँ हूँ तारी सेकेंड पार्ट वीडियो अच्छी, जो मैंने देखी ना फर्स्ट पार्ट वीडियो को प्लेलिस्ट अच्छी जाकि देखिपारे। तो ये हूँ क्वेश्चन गुड़ाक मोर सौरव रो, ठीक अच्छे। तो टीप डब्ल्यू रोर सरी जा देन यापर आसर ओस्ता र ये तीन तीन टी टेस्ट पेपर आम दशम पास करने बहुत उपयोगी सब्यस्त होते। मोर उद्देश्य कि मो सब क्वेश्चन गुड़ाक आराम से अति सहजरे मुझे समस्त पाखे प्रोवाइड कर लक्ष्य रखी। आशा करीडियोटी भल लगे। जदि चैनल रे नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करूँ ताकि सब क्वेश्चन रो नोटिफिकेशन आपण प्रथम पहुँची पार। आदि आपखे जदि कहीं सप्तम रु दशम पढ़ुआ छात्र छात्री रिलेटिव से आपण भाई बहन जब अच्छा चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करने को भूलिबे ना। तो चलो तो आरंभ करिया। तो या आग फर्स्ट पार्ट वीडियो रे हमें 23 पर्यंत क्वेश्चन गुड़ाक सारी छे, 1 रु 23 पर्यंत सब जाए फर्स्ट पार्ट वीडियो रे। एबे हमें सेकंड पार्ट वीडियो रे 24 रु समथिंग जितकी अच्छे आम 45 टा सब को आने सारिया को लक्ष्य रखिया, ठीक अच्छे। तो चलो तो आरंभ करिया। डैश फिलअप अच्छी ये ऑप्शन ना, टाइम आपंकर अधिका नेबी ना, ऑप्शन तो ना, मुझे डायरेक्ट आंसर कही 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 चलिए। तो चलो तो 24 कौन कौन दि सनसेट एंड दि मॉर्निंग दैट डैश दि स्काय से कौन कौन द सनसेट सूर्य अस्त एवं सकाल सूर्य किरण बा सनराइज ना कि। तो से दुईटी आमर कौन करती स्काय को कौन करती स्काय को कौन करती ना से ब्राइटेन्स अप करती बा उज्जवल करती। तो आंसर केमती हम ना बी आर आई जी एच टी ब्राइट एन एस बा ई एन एस ब्राइटेन्स अप हाँ तार आकाशर उज्जवल को से बढ़ाती, ठीक अच्छे। देन जी 25 को दि कोल्ड विंड ब्लोस इन ब्लोस अर्थ कौन बोहिबा कोल्ड विंड बोल तो शीतल पवन ए शीतल पवन केबे बहे ना शीत मास रे बहे शीत मास को आम इंग्लीश कौन कौचे ना विंटर सीजन आम लिखले लिखे ना खाली विंटर लिखले भी किसी कथा ना, ठीक अच्छे। तो 26 को देख कौन कौन 26 नंबर क्वेश्चन दि डैश क्वेश्चन ये पढ़ा ना आंसर लिखिया दि डैश इज डिस्क्राइब्ड एज प्लीजेंट क्या आम आरामदायक भावचे बा लेखक को मानने कवितार क्या कही ना समरसन को एस यू एम एम ई आर समर एस यू एन समरसन को कवि प्लीजेंट कही, ठीक अच्छे। देन जीवा मोर कौन 27 नंबर क्वेश्चन को दि विंड इन दि विंटर इज विंड अर्थ मुझे कौन कही पवन विंटर अर्थ शीत ऋतु ना कि। तो शीत ऋतुर पवन केमितिया ना केमितिया गरम ना नुहे कोल्ड कोल्ड आप डैश्रे कौन लिखे कोल्ड लिखे, ठीक अच्छे। जीवा जदि आम 28 वाला को दि राइफ फ्रूट राइफ अर्थ कौन पाचिला जो फल जाक पाचती ना कि हाँ ताको राइफ बोले कहते राइफ फ्रूट अर्थ पाचिला फल इज फाउंड इन डैश आज डिस्क्राइब्ड इन दि पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल ए कवितार जो दर्शा जाए पाचिला फल केउठारे मिले हाँ कि नहीं ये कौन आम आंसर लिखे कौटे ना दि गार्डन ठीक अच्छे जी ए आर डी एन गार्डन दि एट छोट टी लिखिले कहीं कहू तो ये मझे आंसर मझे लिखा पड़ू ना से, ठीक अच्छे। जीवाबे आमर कौन ना 29 को दि राइप फ्रूट इन दि गार्डन इज क्रिएसन अफ अच्छा ए जो बगिचार पाचिला फल गुड़ाक क्या द्वारा या सब ऑप्शन नहीं अन्य ऑप्शन नहीं ऑटोमेटिक गॉड ही आसीब, ठीक अच्छे। अच्छा 30 नंबर जीवा दि वुड जंगल है इन दि पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इज डिस्क्राइब्ड एज आम कवितार ये जंगल गुड़ाक जंगल को कवि किपर वर्णना करमती ना जंगल केमती जंगल ना ग्रीन जंगल हाँ कि नहीं ग्रीन वुड लिखी ना से डाक। देन 31 को आम जा दि ट्रीज इन दि पोएम ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जो गच गुड़ाक कवितार ब्यूटीफुल हाँ कि नहीं मैंने ब्राइट एंड ब्यूटीफुल जो पाठ से कमी वर्णना करमी ना गच गुड़ाक कराई ना टल टल गच बोल के लिखाई हाँ कि नहीं। तो ये लिखा कौन आमर ना टल टल ठीक अच्छे खाली टलटा लिखे सिंगल टल लिखा पड़ो। तापर जीवा जदि 32 को गॉड हैज क्रिएटेड हाँ कि नहीं डैश इन दि ग्रीन वुड अच्छा ग्रीन वुड क्या गठित होना टल ट्री मान टल ट्री हाँ कि नहीं एस लिखिया कि अच्छा
ଟଲ୍ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନାଇଁ କି ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ଗଡ଼୍ ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍, ମାନେ ଭଗବାନ ଆମର ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ମାନେ ଲେଖିବା ଟଲ୍ ଟ୍ରିଜ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଯିବା 33କୁ, ଆନ୍ ଓପେନ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆର ଥିବା, ମାନେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଯେଉଁଟା ଘାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ମେଡ଼ୋସ୍। ଏସ୍, ମେଡ଼ୋସ୍ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଠିକ୍ ଅଛି, MEADOWS, ମେଡ଼ୋସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ, ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ମେଡ଼ୋସ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଯିବା 34କୁ, ନାଇଁ 34, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ସିଏଫ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ୱି ପ୍ଲେ ଇନ୍ ଦ, ଆଚ୍ଛା ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଏ ମାନେ ଲେଖକଙ୍କ ବା କବିଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ କେଉଁଠି ଖେଳୁ ନା ସେଇ ମେଡ଼ୋସ୍ରେ ହିଁ ଖେଳୁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଖେଳୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଆମର 33ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଆପଣ 34ରେ ଲେଖିପାରିବେ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ମେଡ଼ୋସ୍ କହୁଛେ, ଫିଲ୍ଡ କହୁନେ, ଘାସ ଥିବା ଖେଳ ଓପେନ୍ ଫିଲ୍ଡକୁ ମେଡ଼ୋସ୍ କୁହାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। 35, ଭେରାଇଟିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାଟର୍ ସାଇଡ୍ସ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ କଲ୍ଡ, କ'ଣ କହୁଛେ ନା ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ମାଟିକୁ ଯେଉଁ ରସେସ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି କାଇଁ, ହଁ ସେ ରସେସ୍କୁ ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରସେସ୍, RUSHES, ରସେସ୍, ଏଇଟା ଆମର ରସେସ୍ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯିବା ଯଦି ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ଏଇଟା ତ ପଢ଼ିଲେ, 35 ବି କହିଲି, ଏବେ ଯିବା ଯଦି 36କୁ, ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର କବିଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ୱି ଗ୍ୟାଦର ରସେସ୍, ଗ୍ୟାଦର ଅର୍ଥ ଏକାଠି କରିବା, ଆମେ ଗ୍ୟାଦରକୁ ଯେଉଁ ରସେସ୍କୁ ଏକାଠି କରୁ, ହଁ କି ନାଇଁ, କେବେ ନା ଏଭ୍ରିଡେ, ଏଭ୍ରି ଏଭ୍ରିଡେ, EVERYDAY, ଏଭ୍ରିଡେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଆମର ଏଭ୍ରିଡେ ଲେଖାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଡେ। ଦେନ୍ ଯଦି ଯିବା 37କୁ, କନ୍ସିଡର୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ କନ୍ସିଡର୍ସ ଦି ସମର୍ସନ୍ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ, କ'ଣ କହୁଛି, ସମର୍ସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ କିଏ, ଆଚ୍ଛା ମୋତେ କୁହ, ଡ୍ୟାସ୍ କନ୍ସିଡର୍ ଦ ସମର୍ସନ୍ ପ୍ଲେଜେଣ୍ଟ, ଖରାର ଏ ଯେଉଁ ଆରାମଦାୟକ ପାଗକୁ କିଏ କନ୍ସିଡର୍ କରିଛନ୍ତି ନା ଲେଖକ କନ୍ସିଡର୍ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଲେଖିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଯଦି ଯିବା ଆମର କେତେକୁ ନା 38କୁ, ରସେସ୍ ଗ୍ରୋ, ଗ୍ରୋ ଅର୍ଥ ବଢ଼ିବା, ହେ ନା ଗ୍ରୋ କରିବା, ବଢ଼ିବାକୁ ରସେସ୍ ଗ୍ରୋ ବାଇ ଦି କ'ଣ ନା ରସେସ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ଏ ୱାଟର୍ ଦ୍ୱାରା ବଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଆମେ ୱାଟର୍ ଲେଖିପାରିବା ଡିଆସ୍ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। 39, ଗଡ଼୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଆସ୍ ଡିଆସ୍ ଟୁ ସି ହିଜ୍ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ କ୍ରିଏସନ୍, ଭଗବାନ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଆଇସ୍, ଗୋଟେ ଆଇ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଆଇ ଦିଆହେଇଛି, କାହାର ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ହଁ ନା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଅଛି ରାଇଟ୍, ତ ଆଇସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ 40 ଯଦି ଯିବା, ଗଡ଼୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଅସ୍ ଲିପ୍ସ, ଆମକୁ ଅଠ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, ପ୍ରେଇଜ୍ ହିଜ୍ କାହାର, ଏ ସରି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଗ୍ଲୋରି, GLORY, ଗ୍ଲୋରି, ହଁ କି ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ମହିମାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଆମକୁ ସେ ଅଠ ଦୁଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯିବା 41କୁ, CF ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରାଇବ୍ସ ଗଡ଼୍ ଆସ୍, ଭଗବାନଙ୍କୁ କବି କେଉଁ ଆକାରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ନା ଅଲମାଇଟି, ALMIGHTY, ଅଲମାଇଟି ହିସାବରେ ବା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ଅଲମାଇଟି ଅର୍ଥ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ଯିବା ଏବେ ଯଦି ଆମର 42କୁ, ହାଉ ଗ୍ରେଟ୍ ଇଜ୍ ଗଡ଼୍ ଅଲମାଇଟି ହୁ ହାଜ୍ ମେଡ୍ ଅଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେଲ୍, ଏଇଟା ହେବ ଆମର WELL, ଠିକ୍ ଅଛି, LL ସେପଟେ W ଲେଖିଦେଲି, ଲେଖିଦେବା ୱେଲ୍, ସବୁ ଭଗବାନ କ'ଣ ନା ସବୁ କୋକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଫୁଲ୍ ପ୍ଲାନିଂରେ ତିଆରିଛି ନା କି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ 43 ଯିବା, ଗଡ଼୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଆ ସ୍କିନ୍ ଟୁ କ'ଣ, ସ୍କିନ୍ ଆମକୁ ସ୍କିନ୍ କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଫିଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଲ୍ ହେବାଟା ଏଇଟା ହେବ ଆମର କ'ଣ ଫିଲ୍ ଜାଗା ଏବେ ସେ ଇଏ ରହିଯାଉଛି, ଫିଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ସବୁକୁ ଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚର୍ବି ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍କିନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ସ୍କିନ୍ ମାନେ ସେନ୍ସ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ନୁହଁ କି। ଦେନ୍ ଗଡ଼୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଆସ୍ କ'ଣ ଆମର ଶେଷ ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ଗଡ଼୍ ହାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଆସ୍ ନୋଜ୍, ଆମକୁ ଭଗବାନ ନାକ କାହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ, ନାକ ନା ସ୍ମେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟୁ ସ୍ମେଲ୍, ଶୁଙ୍ଘିବା ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, SMELL, ସ୍ମେଲ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍,
वी एंजॉय गॉड्स क्रिएशन थ्रू फाइव कौन आम भगवान को सृष्टि को कहा माध्यम रे अनुभव करुचु ना आमर सेन्स अच्छा है कि ना सेन्स ऑर्गन्स अच्छा सेन्स ऑर्गन्स जान कि ना ग्राही अंग बोली कहती आमर अच्छी नाक अच्छी आखि अच्छी जीभ अच्छी स्किन अच्छी आउ कौन अच्छी ए जो पांच पांचटा अच्छा सब तुड़क आम पंच इंद्रिय बोली कहे जहाद्वारा वायुमंडल ज्ञान अवसर भितर को प्रवेश कर कान अच्छे ना कि पाँचटा कान एक आखि दुई जीभ तीन तीन चर्बी स्किन पाँच तापर एमती हाँ पाँचटा पाँचटा सेन्स अच्छा या फाइव सेन्स बोली कहे ठीक अच्छे तो आई होप भिडियो बुझा पड़ा देन जदि ना चैनल रे सब्सक्राइब करूँ जदि चाहते भिडियो को शेयर करने करेंगे थैंक यू सो मच।